हाँ देखिए बेटा, मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, आपका एक्सेलरेशन वेक्टर है डीवी वेक्टर बाई डी टी। तो डीवी वेक्टर कितना हो गया, ए वेक्टर डी टी हो गया। तो लेट एट टी इक्वल टू जीरो वेलोसिटी इक्वल टू यू वेक्टर एंड एट टाइम टी वेलोसिटी इज इक्वल टू वी वेक्टर। ठीक है, तो आप यहाँ से लिखिए, आप डीवी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर डी टी को इंटीग्रेट कर दीजिए। टी इक्वल टू जीरो पर यू वेक्टर है, टी टाइम पर वी वेक्टर है, तो ये क्या हो जाएगा, वी वेक्टर माइनस यू वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर, बाहर आ गया, कांस्टेंट है, क्योंकि अपने सारे केसेस अब कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन चलने वाली है काफी देर तक। ठीक है, तो वी वेक्टर माइनस यू वेक्टर कितना आ गया, ए वेक्टर इंटू टी, तो वी वेक्टर आ गया आपका यू वेक्टर प्लस ए वेक्टर इंटू टी। कॉस तो क्लियर है बेटा आपको, डेरिवेशन कहीं डाउट तो नहीं है? इसी को आप पहली इक्वेशन बोलेंगे, काइनेमेटिक्स की जो इक्वेशंस हैं कांस्टेंट एक्सलरेशन मोशन की, उसकी पहली इक्वेशन। दूसरी हम वेलोसिटी की डेफिनेशन से निकालेंगे, पहली एक्सलरेशन की डेफिनेशन से निकली। तो आपका वेलोसिटी वेक्टर कितना होता है, डी आर वैक्टर बाई डी टी होता है। तो डी आर वैक्टर कितना आ जाएगा, वी वैक्टर इंटू डी टी आ जाएगा। वी वैक्टर की जगह वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए आप, तो डी आर वैक्टर कितना आ जाएगा, यू वैक्टर प्लस ए वैक्टर टी इंटू डी टी आ जाएगा। ठीक है, डी टी को अंदर ले जाइए तो कितना आ जाएगा, डी आर वैक्टर इक्वल टू यू वैक्टर डी टी प्लस ए वैक्टर टी डी टी आ गया। ठीक है ना, अब इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए, तो चेंज इन पोजिशन वैक्टर कितना हो जाएगा, इक्वल टू जीरो पर मान लीजिए आर वन वैक्टर है और टी टाइम पर आर टू वैक्टर है। समझ रहे हैं बेटा इस चीज को, मैंने पोजीशन जीरो टी इक्वल टू जीरो पर ओरिजिन पे ही हो, ऐसा जरूरी नहीं है, कहीं पे भी हो सकता है। तो मैं बहुत जनरल एक्सप्रेशन निकाल रहा हूँ, आपको इसी तरह से ध्यान रखना है। और जो आप गलती आज तक 9th क्लास में आप रटते आए होंगे, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो वो रटते रटते आपको लगने लग जाता है कि एस जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो चेंज इन पोजीशन वेक्टर कितना आएगा, आर टू वैक्टर माइनस आर वन वैक्टर यू वैक्टर। अब यू वैक्टर टाइम के साथ थोड़ी नहीं बदलेगा, टी इक्वल टू जीरो पर जो वेलोसिटी हो गई वो हो गई, तो यू वैक्टर भी बाहर आ जाएगा, इसका भी ए वैक्टर बाहर आके इंटीग्रेशन से क्या बन जाएगा, हाफ ए वैक्टर टी स्क्वायर बन जाएगा। तो ध्यान दीजिए बेटा, चेंज इन पोजिशन वैक्टर है, डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन निकल के आ रही है, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड नहीं है बिल्कुल भी। ध्यान रखिए इस चीज का, चेंज इन पोजीशन वेक्टर इक्वल्स टू यू वेक्टर टी प्लस हाफ ए वेक्टर टी स्क्वायर। अब आप आगे चलिए इसमें, ठीक है ना, अब आप आगे बढ़ रहे हैं इसी सिक्वेंस में अपने। आर टू वैक्टर माइनस आर वन वैक्टर आ गया, यू वैक्टर टी प्लस हाफ ए वैक्टर टी स्क्वायर। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन लाने के लिए वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, आपने सुना होगा। अब आप वेलोसिटी और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए, वी वेक्टर डॉट वी वेक्टर कर दो। वी वेक्टर कितना है आपका, यू वेक्टर प्लस ए वेक्टर इंटू टी डॉट, कितना, यू वेक्टर प्लस ए वेक्टर इंटू टी, ये डॉट प्रोडक्ट कर सकते हैं इस तरीके से। अब अपनी बात हो चुकी है कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है डॉट प्रोडक्ट। आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज कर लीजिए यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट की, अंदर इसको ले जाइए, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा यू वेक्टर डॉट यू वेक्टर। कपिल कुछ पूछना चाह रहे हैं बेटा आप? हाँ बताओ, टू यू वेक्टर डॉट ए वेक्टर। बोलिए। तो डी एस अपॉन डी एस कर देंगे, उससे भी आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी, लेकिन वेक्टर फॉर्म में चाह रहा हूँ, ऐसे ही कर लो, वो आपकी मर्जी है, आप स्कूल में कैसे भी कर लो, उसकी कोई बात नहीं। ठीक है, बट वो आप एक ही लाइन के अलोंग लिख रहे होंगे, मैं जनरल लिख रहा हूँ। ठीक है, यू स्क्वायर आ गया प्लस, इसमें से कॉमन ले लिया, टू ए वैक्टर डॉट, क्या बचेगा अंदर देखो, यू वैक्टर टी प्लस वन बाई टू ए वैक्टर टी स्क्वायर बचेगा। ठीक है, तो वी स्क्वायर कितना आ गया आपसे, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस, यहाँ पे देखिए और गौर से देखिए, ये स्टेटमेंट ये नहीं मिलेगा आपको डायरेक्ट इंटीग्रेट करने से, इस तरह की क्लियरिटी इसी से आती है कि यहाँ पर ये टर्म पॉजिटिव कब आएगी, जब एक्सलरेशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर
दोनों के बीच एंगल क्या होगा, एक्यूट होगा तब ये पॉजिटिव होगा। डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव तभी होता है ना जब एक्यूट एंगल होता है, नहीं तो कॉस अगर ज्यादा हो गया एक्यूट एंगल से तो नेगेटिव हो जाता। ठीक है ना, अब आप इसको ध्यान रख सकते हैं, अलग अलग इनकी जगह वैल्यू रख दें तो आप ये तीनों इक्वेशन अलग अलग एक्सिस के अलोंग भी अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली। ये बात हमको यहीं से पता पड़ती है बेटा, इसको आप वी एक्स आई कैप, यू एक्स आई कैप और ए वेक्टर को ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप ऐसे रख दें, दोनों तरफ आई कैप जे कैप के कोफिशियंट बराबर कर लें। ठीक है, तो इस डेरिवेशन में तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है इस तरह की प्रोसेस में, यहाँ पर जिस तरीके से डिराइव किया गया है इसको। तो अब देखिए इसको अलोंग द ऑल द एक्सेस अगर कर देंगे अपन, ठीक है ना, इसको आप अलग अलग एक्सेस में कर देंगे तो देखिए कैसे करेंगे। तो आप इसमें बोलेंगे, आप फ्रॉम द नोट लगा दीजिए कि ऑल थ्री एक्सेस, नोट क्या, ऑल थ्री इक्वेशंस कैन बी अप्लाइड अलोंग थ्री एक्सेस इंडिविजुअली, ऑल थ्री इक्वेशंस कैन बी अप्लाइड, ऑल थ्री इक्वेशन कैन बी अप्लाइड अलोंग थ्री एक्सेस रेस्पेक्टिवली, अलोंग थ्री एक्सेस रेस्पेक्टिवली, आप तीनों एक्सेस के अलोंग अप्लाई कर सकते हैं अलग अलग। कैसे, जो आपका वी वेक्टर इक्वल टू यू वेक्टर प्लस ए वेक्टर इंटू टी था, इसमें जनरल वी एक्स आई कैप वी वाई जे कैप इस तरह से लिख दें, फिर आई कैप जे कैप इक्वेट कर लेंगे तो तीनों एक्सेस में इस तरह की बन जाएगी। जैसे एक्स में क्या बनेगी, वी एक्स यू एक्स, एक्स की लिख रहा हूँ, बाकी बनेगी एक्स टू माइनस एक्स वन। ध्यान रखें बेटा चेंज इन कोऑर्डिनेट है, डिस्टेंस नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप अलग एक ही आप तीनों को अप्लाई ऐसे करेंगे, एक्स वाई के, एक्स के अलॉन्ग अलग, वाई के अलॉन्ग अलग, जेड के अलॉन्ग अलग, एक्स टू माइनस एक्स वन क्या आ गया, यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर आ गया। और थर्ड इक्वेशन आपकी क्या आएगी, वी एक्स स्क्वायर इक्वल टू यू एक्स स्क्वायर प्लस टू ए एक्स और एक्स टू माइनस एक्स वन। तो इसका आप साइन हमेशा ध्यान के रखें, जब एक्सलरेशन और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में तभी ये पॉजिटिव आ रहा है, नहीं तो यहाँ पर क्या रखेंगे, नेगेटिव रख देंगे। तो ऐसा तीनों एक्सेस के अलॉन्ग लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, इक्वेशंस को लगाते वक्त पहले क्लियर कर लीजिए कि आप ये इक्वेशंस का टी इक्वल टू जीरो कहाँ पर है आपको। ठीक है ना, पहले आप ये बिल्कुल क्लियर करके चलिए कि टी इक्वल टू जीरो कहाँ पर है, एक्स इक्वल टू जीरो कहाँ पर है, मतलब टी इक्वल टू जीरो पे कोऑर्डिनेट कहाँ पर है और किन दो पोजीशंस के बीच आप इस इक्वेशंस को लगा रहे हैं, किसी टाइम इंटरवल में लगा रहे हैं या दो कोऑर्डिनेट्स के बीच लगा रहे हैं। ठीक है ना, फॉर अप्लाइंग अबव इक्वेशन, फॉर अप्लाइंग अबव इक्वेशंस, ठीक है, डिसाइड टी इक्वल टू जीरो क्लियरली कहाँ पर है, टी इक्वल टू जीरो एंड कोऑर्डिनेट एट टी इक्वल टू जीरो दैट मे बी एक्स इक्वल टू जीरो और मे नॉट बी एक्स इक्वल टू जीरो एंड कोऑर्डिनेट एट टी इक्वल टू जीरो। तो पहले तो टी इक्वल टू जीरो डिसाइड कर लिया आपने, एक्स इक्वल टू जीरो क्लियरली डिसाइड कर लिया, दोनों कर लिए, फिर आपने दिखाई दिया कोऑर्डिनेट टी इक्वल टू जीरो पर कहाँ पर है, वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी एट टी इक्वल टू जीरो क्या है, ये सब चीजें चेक करते हुए फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना, पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए और ये पोजीशन क्लियर होनी चाहिए कहाँ से कहाँ तक लगा रहा हूँ। ठीक है, ये इन तीनों इक्वेशंस को अप्लाई करते हुए ध्यान रखेंगे। अब इसके एप्लीकेशन पार्ट पे आ रहे हैं अपन।